क्या मजहब शोर मचाना सिखाता है? लाउडस्पीकर से अजान पढ़े जाने का विवाद देश में गहराता जा रहा है। गायक सोनू निगम का वो बयान हम आपको सुनवाते हैं जिससे अजान पर घमासान की शुरुआत हुई। अजान जरूरी है, लाउडस्पीकर नहीं। अजान पर घमासान हुआ तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी बयान दे डाला, और राज ठाकरे के बयान के बाद तो मानो अजान से लाउडस्पीकर का मुद्दा और भी गर्म हो गया। राज ठाकरे ने मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर चेतावनी दे डाली। प्रार्थना देला माझा विरोध नाही, पण या मशिदीत वरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील, या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल, नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। उधर राज ठाकरे का बयान आया ही था कि पार्टी दफ्तर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। सवाल लाउड स्पीकर का नहीं, सवाल उससे होने वाले शोर का है। राज ठाकरे के बयान से सियासत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। इस्लामिक स्कॉलर भी इस बात से इस्तेमाल रखते हैं कि इबादत दिल से होती है, इसके लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं। वो नमाजी अपने फिकर से नमाज पढ़ते हैं भाई, कोई लाउड स्पीकर से कौन पढ़ता है? उसके दिल में पढ़ने का नहीं है तो तुम लाउड स्पीकर थोड़ी पढ़वा देगा नमाज। बात अजान से लाउड स्पीकर के विवाद की हो तो हम आपको बता देते हैं कि इससे पहले भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी लाउड स्पीकर से अजान पर सवाल उठाए थे। जोर से आवाजें आती है सुबह 5:00 से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है, कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो गर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं। महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे वो नाम है जो हमेशा से सुर्खियों में रहा है। राज ठाकरे पहले भी खुले में नमाज का विरोध कर चुके हैं। कई मुस्लिम देशों में तो तेज आवाज पर अजान पर रोक लग चुकी है। माना कि हिंदुस्तान में धार्मिक आजादी है, पर दूसरों की आजादी छीनने का क्या मतलब है? इसी कड़ी में गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी कह दिया कि लाउड स्पीकर से अजान पर बैन होना चाहिए, अन्यथा हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर